भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जीव की प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा उत्पन्न श्रद्धा के अलग अलग विभागों का वर्णन करते हैं तथा इस भौतिक शरीर मन एवं वाणी की तपस्या के बारे में बताते हैं। अध्याय प्रारंभ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हे पार्थ, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और जो तमोगुणी होते हैं वे व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो लोग घमंड तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में मुझसे सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हे अर्जुन, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। हे पार्थ, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तथा हे अर्जुन, सच्चे, अच्छे लगने वाले, हितकर तथा अन्यों को अर्थात दूसरों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित परायण करना यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। हे पार्थ, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में लगे रहने वाले मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या घमंड पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है
वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तथा मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या दूसरों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी अर्थात राजस कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हे पार्थ, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत् ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हे अर्जुन, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे तत् शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अध्याय 17 समाप्त। जय श्री कृष्ण।